अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज के लेक्चर की तरफ। काउंटडाउन का लेक्चर है, यूनिट नंबर 8 है, पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्क आउट दीज फ्लोर एरियाज बाई डिवाइडिंग दीज शेप्स इंटू रेक्टेंगल्स। आपको ये एरियाज दे दिए गए हैं, शेप्स दे दी गई हैं, आपने इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करके इनका इंडिविजुअली एरिया फाइंड करना है, फिर आपने इनको कलेक्ट करके इस पूरी शेप का एरिया फाइंड करना है। जब हम इस शेप को डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेंगे। ये देखिए, फर्स्ट इसकी रेक्टेंगल बनती है 3 मीटर लेंथ के साथ, 1.5 ब्रेड के साथ। सेकंड 6.5 मीटर लेंथ के साथ, 5 मीटर ब्रेड के साथ। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.5 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब दूसरी रेक्टेंगल को कलेक्ट करेंगे हम, तो 6.5 मल्टीप्लाई 5 मीटर 32.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और फिर हम इन दोनों को प्लस करके टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे, 37.0 या 37 मीटर स्क्वायर इस एक शेप का एरिया है। और अब चलते हैं दूसरी शेप की तरफ। इसमें भी हमने दो रेक्टेंगल्स बनानी हैं और उनका एरिया फाइंड करना। ये देखें, फर्स्ट रेक्टेंगल ये बनी है, 4 सेंटीमीटर की लेंथ है, 3.5 मीटर की ब्रेड्थ है, जबकि सेकंड 7 मीटर की लेंथ है, 4 मीटर ब्रेड्थ है। 4 मीटर ये कैसे हुआ, चलिए बताती हूँ। ये देखिए, ये 8 मीटर थी ना, जब हम इसको ऐसे कट कर देंगे, यहाँ से एक लाइन लगा के एक और रेक्टेंगल बना लेंगे, ये देखिए यहाँ से, तो ये पूरी लेंथ 8 मीटर है, ठीक है। जब ये हाफ हो जाएगी तो 4 मीटर ये वाली हो जाएगी, 4 मीटर ये वाली हो जाएगी, और जब दूसरी रेक्टेंगल बनेगी तो ये 4 मीटर इसकी ब्रेड्थ होगी। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट का 14 मीटर स्क्वायर आएगा, सेकंड का 18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और जब इन दोनों एरियाज़ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 42 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस शेप का। और क्वेश्चन नंबर 13 आपने नहीं करना। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।